नमस्कार, जय माता दी। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए मिथुन राशि दिसंबर माह 2019 के जातकों के लिए। इस माह में विशेष राशिफल का विवेचन करेंगे, आपको बताएंगे इस राशि में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस माह विशेष जो पर्व होते हैं वो क्या है, त्यौहार है, उसको कैसे मनाना है। 12 दिसंबर को पूर्णमासी है, भगवान चंद्रमा की पूजा करें, व्रत रहें और भगवान शिव की आराधना करते अपने जीवन को धन्य बनाएं। 16 दिसंबर को संक्रांति है, सूर्य संक्रांति, भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं। 26 दिसंबर को अमावस्या है, अपने पितरों को जल दें, तर्पण करें, पितरों का आशीर्वाद लें और गंगा जी का स्नान करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। दर्शकों, मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं बुध। बुध एक हमारे कुंवारा अवस्था के होते हैं। बुध की जो गति है तीव्र गति है, जल्दी चलना, जल्दी किसी काम करना, फोकस करना, टारगेट टू टारगेट। तो बुध की जो युति बनी हुई है बहुत ही अच्छा प्रभाव बना हुआ है। लगन में बैठे हैं, इसमें जो है ना चंद्रमा राहु का योग बना हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वाणी संबंधी इस मायाओं को ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी वाणी थोड़ा सा डिप्रेशन में आपको डाल देगी या कोई आपको हानि हो जाएगा लगन, तो इसलिए आपकी अपने लगन को अच्छा बोलना है और अच्छे तरीके से आपको फोकस करना है। आगे बात करता हूँ मैं कि इस माह जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उनको अच्छा लाभ बनने के संकेत दिख रहे हैं और मंगल सप्तम में पंचम में विराजमान है। ऐसी स्थिति में क्या है कि जो विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ संकेत बन रहा है। और सूर्य बुध षष्ठ में विराजमान है, किसी से आपकी लड़ाई चल रही है तो उनसे आपको इस लड़ाई का जो फैसला होगा और आपका कोई कोर्ट का केस चल रहा वो इस माह में जो है आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत खुशखबरी मिलेगी आपको और अपने आगे जीवन को धन्य बनाएंगे। इसमें सप्तम की स्थिति देखते हैं तो शनि और शुक्र गुरु केतु विराजमान है। ऐसी स्थिति में क्या है कि चंडाल योग बन रहा है और इसमें सबसे बड़ा क्या है कि श्रापित दोष बना हुआ है, तो जो बिजनेसमैन हैं जिनकी किसी से शादी की बात चल रही है उनको थोड़ा सा एक सावधानी रखने पड़ेगी। और पत्नी जो आपकी जिसकी शादी हो चुकी है तो पत्नी संबंधित कोई मतलब एक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पेट में दिक्कत हो सकती है, घुटनों में परेशानियाँ की सामना करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखनी आवश्यकता है। या कोई व्यक्ति का इस माह में कोई चीज़ से तलाक भी हो सकता है, क्योंकि संबंध आपको अच्छे मनो रखने की आवश्यकता पड़ेगी पत्नी के साथ और पत्नी को अपने कहीं नहीं छोड़ना है, अपने पास में रखकर प्रेम से उनको संबंध बनाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि चार ग्रहों की उति बनी हुई प्रवज्जा योग बना हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए आपको आवश्यकता पड़ेगी कि आप अपनी जिम्मेदारी को समाप्त हुए आगे बढ़ें। 30-31 दिसंबर को आपको कोई नया काम नहीं करना है, नई यात्राएं करनी है, कोई लेन देन भी करना तो इसको क्रॉस करके करना है। चंद्रमा अष्टम में रहेगा जो कि आपके लिए भ्रमण करता हुआ अशुभ रहेगा, शुभ नहीं रहेगा। और 13 और 14 तारीख को जो चंद्रमा बारहवां होता है व्यय का होता है, ऐसे महीने में कोई यात्रा ना करें और किसी कोई नया काम ना करें, क्योंकि इस माह में यदि आप ऐसा नया काम करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, दिक्कत आएगी। आगे बात करता हूं मैं कि 5 दिसंबर को बुध वृश्चिक में चले जाएंगे, बुध ग्रह अपनी राशि छोड़कर वृश्चिक में चले जाएंगे। वृश्चिक राशि में जो जाना एक शत्रु राशि होती है, तो जो बिजनेसमैन उनको व्यापार में या कहीं कोई फंसने के चांस हो सकते हैं, सरकार वालों को भी कहीं ना कहीं कोई मतलब एक सामना करना पड़ सकता है, दिक्कत आ सकती है। 14 दिसंबर को गुरु अस्त हो जाएंगे, मंगलिक कार्य बंद हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में क्या है कि थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। और 14 दिसंबर को बुध भी अस्त हो जाएंगे, तो बिजनेस करने वालों को अपना बिजनेस पर सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दर्शकों, मिथुन राशि के लिए जो है ना, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया ये पन्ना रतन धारण करना है, उससे आपको बिजनेस का अच्छा लाभ मिलेगा। कंठ संबंधी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी और आपको जो आराधना करनी है गणेश जी करनी है, गणेश जी आपके इष्टदेव होते हैं और गणेश जी की पूजा करें और हरा धूप लेकर गणेश जी चरणों में चढ़ाएं, उससे आपको अच्छा लाभ होगा। कुंडली का जो विवेचन होता है वो कुंडली के अनुसार होता है, राशि होती है, राशि हमारी दो होती है हर किसी जातक की। एक राशि होती है जन्म की, जिसमें हमने जन्म लिया, जहाँ हमारा चंद्रमा बैठता है, और एक राशि होती है हमारे प्यार की, जो हमारे माँ बाप रखते हैं, नाम रखते हैं, उसके अनुसार राशि बनती है। तो राशि का जो विवेचन है वो सटीक होगा आपके जन्म राशि का, उपकारों नाम का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इसलिए जो भी आपको जानना चाहते हैं हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का विवेचन करने के बाद कोई बड़ा काम करें, फैसला लें, उससे आपको अच्छा लाभ होगा। दर्शकों, समय का अभाव होता आप जान सकते हैं, कोई भी चीज़ जाननी है आपको आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। ज्योतिष संबंधी है, मिलान है या मंगलिक का दोष क्या होता है, हम आपको बताएंगे। जय माता दी। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद राम अवतार मिश्रा जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं
9650925716 01204108727 ईमेल आईडी है वैदिक ज्योतिष परामर्श 2004@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।